हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर एवर पर। दोस्तों, आज आपने देखा कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा दबाव पर ट्रेड हो रहा था, बट उसके बाद भी जो है यहाँ पर अगर आप 3i इन्फोटेक का आज का ट्रेडिंग सेशन देखेंगे तो स्टॉक जो है 5% के अपर सर्किट पे लॉक हुआ है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो इस कंपनी को 3i इन्फोटेक को यहाँ पर राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से 12.85 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। जी हाँ, तो यहाँ पर कंपनी 12.85 करोड़ का ऑर्डर लेने में सफल रही है फ्रॉम राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। और यही कारण रहा कि आज स्टॉक में अगर हम देखें तो यहाँ पर लगभग 58,600 शेयर्स के लगभग का जो है बाइंग ऑर्डर पेंडिंग रहा, क्योंकि कोई भी यहाँ पर सेलर अवेलेबल नहीं था। अगर हम स्टॉक का 52 वीक लो देखें तो ये 6.65 रुपये का है, और 52 वीक हाई देखें तो 119.30 रुपये का यहाँ पर इस स्टॉक ने बनाया है। आज जो यहाँ स्टॉक का करेंट मार्केट प्राइस देखें तो इसने 55.10 रुपये पर आज क्लोजिंग दी है, जो कि प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उससे 2.60 रुपये ऊपर ये क्लोज हुआ है 4.95% की बढ़त के साथ। तो ये अपने अपर सर्किट पर आज लॉक हुआ है ये स्टॉक। और इसकी एक और अच्छी बात है कि स्टॉक ने अपना जो 200 DMA की जो सपोर्ट लाइन है उसके नीचे ट्रेड नहीं किया है, जो कि लगभग 46-47 रुपये के आसपास होता है। और यहाँ पर स्टॉक ने 50 रुपये के करीब से ही रिवर्सल लिया है और अब जो है 55 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि स्टॉक ने अपना 200 DMA के नीचे यहाँ पर ट्रेड करना नहीं चालू किया और वहाँ से एक रिवर्सल ले लिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अभी अच्छा संकेत है कि स्टॉक लॉन्ग टर्म में अभी पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FII का जो सितंबर 2021 में इसमें शेयर होल्डिंग थी वो 0.18% की थी, जो कि दिसंबर 2021 में बढ़कर 0.51% की हो गई है। बट वहीं DII की जो अगर हम आंकड़े देखें तो जहां दिसंबर में DII की जो होल्डिंग थी वो 14.32% की थी, वो घटकर दिसंबर 21 में ये घटकर 11.73% की हो गई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग बढ़ी है सितंबर 21 में, जो कि 85.50% की थी, दिसंबर 21 में ये बढ़कर 87.76% की हो गई है। और अगर इसके अलावा भी देखें तो कंपनी की जो पिछली इन्होंने जो अपनी डेट यानी कि कर्ज की जो रिस्ट्रक्चरिंग की है और उसके साथ कंपनी ने जो है कर्ज भी घटाया है, ये एक अच्छा जो है इसको कह सकते हैं पॉइंट, या फिर इस नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पर कंपनी अगर आगे अब अच्छा करेगी, क्योंकि इनका जो पुराना डेट था उसको रिस्ट्रक्चर कर दिया है कंपनी ने। और यही कारण था कि बाद में ये जब लिस्ट हुई तो एक अलग प्राइस के साथ लिस्ट हुई और उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर इसने जो है 119.30 रुपये का अपना 52 वीक हाई ऑलरेडी बनाया हुआ है। स्टॉक अभी जो कि 55.10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है तो ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 54% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छा मौका बन सकता है यहाँ पर लेने के लिए। बट ये एक अपडेट है, इस स्टॉक के बारे में किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना एनालिसिस करें या फिर अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।